हेलो दोस्तों, आदर्श परिवार की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कल हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो फर्स्ट सीरीज थी उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन किया था। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी टफ पॉइंट था, और ये आप लोगों ने यदि पूरा देखा है वीडियो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके समझ में आया होगा। कॉपी पेन आप लोगों के हाथ में है और आप लोग अब आगे के पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आज का जो पॉइंट है वो एक स्पेशल पॉइंट है। पॉइंट का नाम है कलर ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। हालांकि एक्सेप्शंस भी हैं इसके कुछ एक, उनको छोड़ करके ज़्यादातर मोस्टली जो हैं वो कलरफुल कंपाउंड्स हैं इनके। इसका क्या रीज़न है आप इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप क्वेश्चन चाहें तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप नेक्स्ट जो भी है। वाई The compounds of transition elements are mostly colorful. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके कंपाउंड्स कलरफुल क्यों होते हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्वेश्चन नोट करो आप और इसका कंसेप्ट समझो आप कि कलर आता क्यों है और किस प्रकार से आता है। मान लीजिए ऐसा कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, कुछ है, आप इसका कलर देखना चाहते हैं तो ये निश्चित बात है कि आप इस पर लाइट एमिशन करेंगे, लाइट डालेंगे। आप इस पर लाइट डाल रहे हैं तो यहाँ पर तीन प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फर्स्ट, ऐसा हो सकता है की सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। इस सब्सटेंस पर लाइट आई है, सब्सटेंस ने बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया लाइट को और सारी की सारी लाइट इमिट हो गई। तो फर्स्ट केस ये बना, 100% लाइट का इमिशन हो जाता है, 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि आपने जो लाइट डाली वो पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। सब्सटेंस जो है वो 100% लाइट को एब्जॉर्ब करे, ऐसी स्थिति भी, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। और थर्ड जो बनेगी वो ये बन सकती है कि लाइट का कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो, सम लाइट एब्जॉर्ब। तीन केसेज यहाँ बन सकते हैं। गौर से समझना, तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लाइट 100% एब्जॉर्ब हो चुकी है। यदि 100% लाइट एब्जॉर्ब होती है या 100% रिफ्लेक्ट होती है या लाइट का कुछ पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब होता है, तीनों केस में आप लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। पहली बात, यदि सारी की सारी लाइट 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है
यानी सब्सटेंस ने किसी भी प्रकार से लाइट को अब्जॉर्ब नहीं किया, देन दैट सब्सटेंस इज वाइट कलर। ऐसी कंडीशन में वाइट कलर का सब्सटेंस होगा, वाइट कलर का। यदि सब्सटेंस 100% लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज ब्लैक कलर का। और यदि सब्सटेंस सम लाइट, थोड़ी बहुत लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो कलरफुल होगा। और कौन सा कलर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले यानी चैप्टर नंबर 9 में देंगे। आप ध्यान से सुने कि यदि वो सब्सटेंस 100% लाइट को इमिट कर देता है, किसी भी प्रकार से लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, देन दैट सब्सटेंस इज वाइट कलर। ऐसा सब्सटेंस वाइट कलर का होगा। 100% लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लैक कलर का होगा, और यदि कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो कलरफुल होगा। कलर कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट कलर के आधार पर आप लोग आंसर देंगे इसका चैप्टर नंबर 9 में। अभी आपको लिखना नहीं है कुछ भी, अभी आपको केवल समझना है। अभी हमने ये चर्चा की है कि सब्सटेंस का कलर कब होगा, तो कलर तब होगा जब सब्सटेंस लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करे, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करे, दैट मीन्स द सब्सटेंस इज कलरफुल। अब आगे की बात सुनो, कलरफुल है तो क्यों है। हम लोग आगे पॉइंट पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये भी हम लोग बहुत ही बड़ा पॉइंट होगा जिस पर शायद 2.5 से 3 घंटे का वीडियो बनेगा। ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का 50% हिस्सा होगा, एक पॉइंट होगा। एक दिन हम बनाएंगे वीडियो, कभी अभिमन्यु जी से टाइम लेकर के, तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ व्यू बता देता हूँ कि कलरफुल आता कहाँ से है। कलर कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। नाम आपको पता होगा, DXY, DYZ, DXZ, DX²Y², DZ². जब कोई भी लिगेंड यहाँ अटैक करता है मेटल पर, तो आपको ज़्यादा ऐसे चर्चा सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। डी ऑर्बिटल्स यहाँ जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम है, ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है वो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स जो हैं ये 2 भागों में बट जाते हैं, 2 भागों में, जिसमें से एक जो पार्ट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज़्यादा होगी। और डी ऑर्बिटल्स का इस प्रकार से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, जो CFT नाम की थ्योरी में आप लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो स्प्लिटिंग होती है, इसमें से 3 ऑर्बिटल अलग आ जाते हैं और 2 ऑर्बिटल्स अलग आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं ऑक्टाहेड्रल में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं वो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं, इन्हें T2G बोलते हैं। जो DXY, DYZ और DXZ होते हैं, और जो हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं वो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, DX²Y² और DZ², इनको EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुने आप लोग मेरी बात, कि हाई एनर्जी लेवल वाले डी ऑर्बिटल्स EG होते हैं और लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स T2G होते हैं। ये है डी ऑर्बिटल्स ही। एक्चुअली में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX²Y² और DZ². ये स्प्लिट हो जाते हैं,
यानी ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तीन ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है, दैट नोन एज T2g, एंड हाई एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स होते हैं EG ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है उसके डी ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन है, वन, ये वन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ आप बढ़ते हैं, तो जब कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई भी कंपाउंड बनता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ये इस जगह होता है। इट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन T2g ऑर्बिटल्स, क्लियर? एंड यू नो, शायद 11th क्लास में आप लोगों ने बोर कंसेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। बोर कंसेप्ट अच्छी तरीके से आपको याद भी होगी कि आप जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, आप लाइट देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को लाइट देते हैं, ये लाइट आई, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। यहाँ लोअर का मतलब है T2g, जिसकी एनर्जी कम है वो लोअर एनर्जी लेवल है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो हायर एनर्जी लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर लाइट देते हैं या आप इसको किसी भी प्रकार से एनर्जी देते हैं, तो ये एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट कर जाता है T2g से EG ऑर्बिटल्स में। आप सब ये भी जानते होंगे, आपने 11th, एक बार मैं ये अभी आउटलाइन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में रहता नहीं है, वहाँ से ये बहुत कम समय में लोअर एनर्जी लेवल में आता है। हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया, आपने लाइट दी थी, एनर्जी दी थी, और अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ चुका है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो कुछ एनर्जी इमिट करता है, एमिशन होता है या एनर्जी का, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी का इमिशन होता है। अब आपने जो लाइट दी है एक्चुअली वो है क्या, आप जो लाइट दे रहे हैं वो एक स्पेक्ट्रम ही तो है। लाइट एक्चुअली क्या होता है, विजुअल स्पेक्ट्रम है। लाइट के 7 कलर होते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा, मैं एक बार अभी रब कर रहा हूँ, पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। जो लाइट होती है उसके 7 कलर्स होते हैं, विब ग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वोयलेट टू रेड पढ़ा है ना आप लोगों ने, या नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है, खैर कोई बात नहीं, पढ़ा है। अब क्या होगा कि जो लाइट होती है उसके 7 कलर हैं, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस उस लाइट का एक स्पेसिफिक रीजन एब्जॉर्ब करता है, यानी एक स्पेसिफिक रीजन से स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, एक स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करता है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एक स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज करेगा, स्पेसिफिक कलर रिलीज करेगा। अब आप पूरा ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स 5 टाइप्स के होते हैं। आप सोच रहे होंगे, सर ये डी ऑर्बिटल ही नाम क्यों ले रहे हो आप, एस क्यों नहीं ले रहे? भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डी ऑर्बिटल्स। हम बार बार डी ऑर्बिटल की चर्चा करेंगे।
डी ऑर्बिटल्स जो है ये फाइव टाइप्स के होते हैं, और इनका फाइव टाइप इस प्रकार का कुछ होता है। इनका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड कैसे होते हैं आप लोगों को चर्चा कराएंगे आगामी वीडियोज में। ये जो है ऐसा कुछ ऐसा, ये टी टू जी ऑर्बिटल्स है, ये ई जी ऑर्बिटल्स है। टी टू जी होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और ई जी होते हैं डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। ये इनके बीच का यहाँ पर एनर्जी गैप होता है। ये जो सिस्टम होता है पूरा, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, इसे डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पड़ा है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन टी टू जी ऑर्बिटल्स। टी टू जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है, आप यहाँ से लाइट दे रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जब आप लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन टी टू जी से ई जी में आ रहा है, इट इज़ नोन एज डी डी ट्रांजिशन। वाई ट्रांजिशन, व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन? आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास मत चले जाना। आप ट्रांजिशन एलिमेंट हर जगह ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल नहीं होगा हर जगह। ध्यान रखेंगे आप लोग भी, आप किसी एक भी चीज़ का हर जगह सेम इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब केवल फ़ोन पर बात करना ही थोड़ी है। कोई टाइम में जब फ़ोन आया था, टेलीफोन या मोबाइल, तो उसका पहला मकसद क्या था कि सिर्फ बात हो उसके। आज आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, स्कूल आ गई आपके घर चल करके, है ना। तो इसका मतलब यहाँ ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग चीज़ है। ये जो आप लोगों ने लिखा है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग चीज़ है, और ये जो ट्रांजिशन है इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का जो द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड लोअर एनर्जी लेवल, जंप्ड लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वह लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांजिशन बोलते हैं। डी ट्रांजिशन क्यों बोला इसको, क्योंकि डी ऑर्बिटल सी ये टी टू जी हैं और डी ऑर्बिटल सी ई जी हैं। आप लोगों को पता है, दिखाई भी दे रहा होगा कि ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसलिए इसे डी ट्रांजिशन कहा गया है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में गए हैं, ऊपर गए हैं, तो एक स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इन्होंने, एक स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब किया है इन्होंने। एनर्जी मीन्स लाइट, एनर्जी मीन्स क्या होता है, लाइट के जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम का एक कलर, विबग्योर जो सेवन कलर्स हैं उनमें से एक कलर को एब्जॉर्ब किया है उन्होंने, और उस एक कलर को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में जंप कर गया, और इसे आप लोगों ने डी ट्रांजिशन बोल दिया। अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन जो वो हायर एनर्जी लेवल में तो रह नहीं सकता, वो आएगा लोअर एनर्जी लेवल में, तो ये लोअर एनर्जी लेवल में आएगा वापस। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, यहाँ इमिशन होगा एनर्जी का, इमिशन। जो इमिशन हो रहा है एनर्जी का, वो इमिशन कौन से कलर का हो रहा है, द कंपाउंड। आपने जो कंपाउंड लिया है उस कंपाउंड पर आपने लाइट डाल दी है, उसमें से एब्जॉर्ब जिस भी का हुआ होगा, लेकिन इमिशन जिस कलर का हुआ है वो कंपाउंड आपको उसी कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कलर इमिट हो रहा है उस प्रकार का कंपाउंड आपको दिखाई देगा। अब देखो दो प्रकार के कलर आ गए मित्रों, एक हो गया यहाँ पर जो कलर एब्जॉर्ब हुआ, एक हो गया यहाँ पर
जो कलर इमिशन हुआ, इमिस्ड और एब्जॉर्ब्ड जो कलर हैं, ये कलर जो हैं जिनका इमिट हुआ है, इमिशन हुआ है और जो एब्जॉर्ब हुए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कलर कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट कलर। मित्रों, ये क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, सर हो बड़ा प्रश्न हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपको ये याद रखना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, इसे डी ट्रांजिशन या T2G2Eg ट्रांजिशन भी बोलते हैं। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी इमिट करता है, इमिटेड एनर्जी जो होती है, और एब्जॉर्ब जो कलर हैं ये कॉम्प्लीमेंट कलर होते हैं, और कंपाउंड जो होता है वो इमिट एनर्जी के या इमिट कलर के अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको कलरफुल दिखाई देता है। इट मीन्स ये बात प्रूव हो गई कि कलरफुल वही कंपाउंड होगा जिसके डी ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे आप देखो, एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में आया था, ये बात है 2003-04 के आसपास की। वहाँ से आपको मैं यहाँ पर आए हुए 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन आया, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा है बोर्ड में वैसे ही आए, बोर्ड में कैसे आया वो देखो आप। क्वेश्चन आया कि TiCl2 इज कलरफुल बट TiCl4 इज कलरलेस, वाई? एक क्वेश्चन इस प्रकार का आया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि TiCl2 कलरफुल है, क्यों भाई? तो इसके कलरफुल होने का कारण ये है, मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ, TiCl2 हियर सेंट्रल एटम इज टाइटेनियम एंड यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम इज, याद है, एटॉमिक नंबर 22, तो ऑर्गन 3D2 4S2। इन TiCl2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इज +2। जो Cl होता है, जो क्लोरीन होता है, यहाँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ इस डिस्टेंस में, जो TiCl2 है इसमें Cl जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो X -2 बिकॉज ऑफ Cl2 देन इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। तो Ti2+ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3D2। आप लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करने हैं। डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ? आप यदि डी के 5 टाइप्स जानते हैं ऐसे बढ़िया तरीके से, डी में आप यदि 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आइए आप TiCl4 के पास, ये लीजिए TiCl4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ TiCl4 इन Ti, तो TiCl4 X-4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4, देन Ti4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? विद टाइटेनियम का तो आर्गन 3D2 4S2, 4+ मीन्स है आपको 4 इलेक्ट्रॉन से रिलीज करने हैं, तो Ti4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन के इक्वल आ जाएगा, यानी जो 3D है वो खाली आ जाएगा, इट मीन्स द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर अबसेंट। तो Ti4+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पर, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो वो अबसेंट है, लेकिन यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट है। तो जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपाउंड कलरफुल होता है, और जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो कंपाउंड कलरलेस होता है। बात समझे आप? तो इस चीज़ को अब लिखोगे कैसे, थोड़ा सा देख लो आप।
ऐसे लिखेंगे आप लोग कि मैं बोल देता हूँ, आप लोग खुद लिख लेंगे, लिख लोगे ना कि भी जो ट्रांजिशन कंपाउंड्स होता है उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऐसे लिखेंगे आप लोग द कंपाउंड्स या द एलिमेंट्स इन विच अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट द कंपाउंड इज कलरफुल एल्स द कंपाउंड इज कलरलेस द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसमिट टी टू जी टू ई जी ऑर्बिटल्स इट इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लिव एट हाई टाइम इन हायर एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन गोज डाउन फ्रॉम टी टू जी टू ई जी ऑर्बिटल्स देन द इलेक्ट्रॉन इमिट द एनर्जी द इमिशन कलर एंड द एब्जॉर्ब कलर नोन एज कॉम्प्लीमेंट कलर एट द कंपाउंड्स कलर डिपेंड ऑन इमिट कलर्स सो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर कलरफुल बिकॉज ऑफ अनपेड डी ऑर्बिटल्स अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे नहीं लिख सकते तो आप वीडियो को दोबारा सुन लेना दो बार सुन करके ढंग से साथ साथ नोट्स बनाना समझ में आ जाएगा आप लोगों को अब देखो दोस्तों आप क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कई बार नीट में एक बार क्वेश्चन आया विच कंपाउंड और आयन इज कलरफुल इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे ऑप्शन ए TiCl4 बी ZnCl2 वहाँ के ऑप्शन पूरे मेरे याद नहीं है लेकिन जो ऑप्शन याद है वो बता रहा हूँ आपको MnO4 माइनस एंड MnCl2 आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन से कंपाउंड और आयन और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कंपाउंड्स और आयन्स हो सकता है इन चार में से दो कंपाउंड या आयन्स का कलरफुल हो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये यहाँ से आप लोगों को नीट में या आप लोग जी में जी IIT की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वेश्चन नोट करें मित्रों और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें आदर्श परिवार की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों हमारे वीडियो देखते रहें और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं तो हमें पता चलेगा कि सर ये चीज़ दिक्कत है ठीक है ओके दोस्तों